सबसे पहले गीता, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी। जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आप पहले बताइए कि अमेरिका में अभी इस वक्त क्या स्थिति है, उसके बाद फिर हम चर्चा की शुरुआत आगे करें। अभी जो स्थिति है अमेरिका में वो ये है कि जो वायलेंस हुआ था, जिस वजह से न केवल डेमोक्रेट्स, जैसे आपने ठीक कहा मीनाक्षी, रिपब्लिकन लीडर्स भी हैं जो ट्रंप से रिश्ता या फिर अपने आप को डिस्टेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो अग्री नहीं करते, जिसके चलते ट्रंप को ये मानना पड़ा कि जो वायलेंस था उसको उन्हें कंडेम करना पड़ा, और ये मानना पड़ा कि कहीं ना कहीं हार हो चुकी है, लीगल सारे एवेन्यूज उन्होंने एग्जॉस्ट कर लिए हैं और अब स्मूथ ट्रांजिशन होगा 20 जनवरी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तक। ओथ टेकिंग सेरेमनी स्मूथ होगा, ऑर्डरली होगा, ये ट्रंप ने अश्योर कर दिया है अमेरिका की जनता को। लेकिन दूसरी तरफ दो चीज़ें होने वाली हैं। एक कि बहुत लोग ये मांग कर रहे हैं कि इम्पीचमेंट या फिर 25th अमेंडमेंट इन्वोक किया जाए। दोनों ही रास्तों में सबसे बड़ा मुश्किल जो दिख रहा है वो ये है कि अभी बस 13 दिन बाकी है, और 13 दिनों में ना इम्पीचमेंट हो सकता है ना 25th अमेंडमेंट अगर इन्वोक करे तो उसका प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो ये तो तय है कि राष्ट्रपति ट्रंप इन 13 दिनों में राष्ट्रपति रहेंगे और स्मूथ ट्रांजिशन देखा जाएगा। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्वेस्टिगेशंस होंगे कल के वायलेंस को लेकर, उस वायलेंस में ट्रंप का क्या रोल रहा है और ट्रंप ने कितना भड़काया वहां के प्रोटेस्टर्स को, इस पर जरूर जब जांच होने लगेगी तो ट्रंप काफी मुश्किल में आ सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं त्रिनाथ साहब आपको अब चर्चा में लाना चाहूंगी। डोनाल्ड ट्रंप का अब आगे क्या होगा, क्या वो 20 जनवरी तक राष्ट्रपति बने रहेंगे? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जहाँ तक गीता ने भी कहा, ये टाइम बहुत कम है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या लोगों को है वहाँ पर वो ये है, जो खास तौर से जो ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट या उनके नीचे कैबिनेट वाले हैं या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, कि अगले 13 दिनों में ये और कुछ इस तरह का काम ना कर दें जिससे कि अमेरिका कुछ ऐसी परेशानी में पड़ जाए। मैं ट्रंप की आदत है कि कुछ भी गड़बड़ कर सकते हैं, जैसे उन्होंने चीन के साथ हो या ईरान के साथ हो, वहाँ सब जगह कोशिश करिए और अपना मैक्सिमम प्रेशर कैंपेन तो डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन अभी मुझे लगता है कि वो, चूंकि उनके खुद के लोग साथ छोड़ गए हैं वहाँ से, रिपब्लिकन पॉलिटिशियंस की नहीं बात कर रहा हूँ, उनके खास पूरा स्टाफ उनके खिलाफ हो गया है वर्चुअली। वहाँ पे देखिए आप कितने, उनकी एजुकेशन सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया, उनके असिस्टेंट सेक्रेटरी जो हेल्थ की हैं उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, उनके चीफ ऑफ स्टाफ मेलानिया ट्रंप के उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी ने रिज़ाइन कर दिया। तो उनके पूरे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ने भी कहा है कि वो भी इससे खुश नहीं है, क्योंकि जिस तरह की भाषा, सबको पता है, देखिए अमेरिकन हार्ट में, एट द हार्ट ऑफ दैम डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एक ऐसी चीज़ है जिसको वो कहते हैं कि हम दुनिया की ग्रेटेस्ट डेमोक्रेसी हैं। और जो इस वक्त हुआ है दो दिन पहले वहाँ पे, उससे इतनी शर्मसार घटनाएं हुई हैं कि अमेरिका का जो एक स्टेटस, ग्लोबल स्टेटस है एज ए बीकन ऑफ डेमोक्रेसी, वो खत्म हो गया है एक तरह से, मैं समझता हूँ उसमें काफ़ी डेंटिंग आई है। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।